Hello students, good morning. Today we will learn maths. Next topic of maths is multiplication. What is the next topic? Multiplication. We had learned before addition, subtraction, right? Now the next is multiplication. So we will learn some example first. Look at this first example. There are some fruits in this box. Okay, so count how many fruits in one row? 1, 2, 3, 4. How many fruits in one row? 4 fruits, right? And in the second line, 1, 2, 3, 4. Again, 4. मतलब ये स्क्वायर में कितने फ्रूट्स है, जैसे कि फर्स्ट रो में है 4 फ्रूट्स एंड सेकेंड रो में है 4 फ्रूट्स, तो 4 प्लस 4 हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 प्लस 4 8. ये तो आपको सबको पता है, राइट? अभी मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या करना है, जैसे कि वन लाइन में कितने फ्रूट्स है? 4 फ्रूट्स, राइट? एंड कितने रो है? 1 एंड 2 रोज है. कितने रो है? 2 रो. तो उनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो है वो मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है क्रॉस. ओके, तो अभी आप करो 4 मल्टीप्लाई 2 करना है आपको, तो 4 का टेबल आप 2 तक बोलेंगे. 4 1 जा 4 4 2 जा 8. आप देख सकते हैं दोनों में भी आपका आंसर सेम आया है. 4 प्लस 4 करेंगे तो भी आंसर 8 ही आता है, एंड 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो अभी भी आंसर 8 आता है. बट ये कैसे, अभी स्मॉल एग्जांपल्स है तो आपको ये दोनों इजी लग रहा है, बट कभी कभी बड़े एग्जांपल यानी कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, तब एडिशन करना आपको इतना इजी नहीं होगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन में आप आंसर जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर. हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर? काउंट द फ्लावर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 फ्लावर्स, राइट? बट एक बंच में, फर्स्ट बंच में कितने फ्लावर्स है? 1, 2, 2 फ्लावर्स. 2, देन सेकेंड बंच में भी कितने फ्लावर्स है? प्लस 2. थर्ड में भी प्लस 2 एंड फोर्थ बंच में भी प्लस 2. तो आप अगर ये प्लस करते हो, एडिशन करते हो, तो देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 2 6 एंड प्लस 2 8, राइट? अभी आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में आप कैसे लिख सकते हैं? देखो एक बंच में कितने फ्लावर्स है? 2 फ्लावर्स. एंड हाउ मेनी बंचेस, कितने बंचेस है? 1, 2, 3, 4 बंचेस है. कितने बंचेस है? 4. सो आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 4, मतलब 2 का टेबल आप 4 तक बोलेंगे. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 4 जा 8. अंडरस्टूड? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर. देर आर सम चिल्ड्रेन लाइक टोनी, सोनू, नंदू, सलमा. They wanted to play game with a ball. ये जो 4 children हैं उनको क्या करना है, game खेलना है ball से. तो वो अपने अपने घर से क्या ball लेके आए हैं. सबके पास कितने balls है? देखो 3-3 balls है. Okay, जैसे कि टोनी के पास है 3 balls plus सोनू के पास के balls है 3 plus नंदू के पास है balls 3 एंड सलमा के पास है बॉल 3. ओके, तो आप अभी ये एडिशन कर सकते हैं. 3
प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, राइट। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व आंसर, राइट। अभी आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, सबके पास कितने बॉल्स है, थ्री बॉल्स है, एंड कितने चिल्ड्रेन है, वन टू थ्री फोर चिल्ड्रेन है, कितने चिल्ड्रेन है, फोर, तो थ्री मल्टीप्लाई फोर। तो अभी आप क्या करोगे, थ्री का टेबल आपको फोर तक बोलना है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया। जैसे कि एडिशन करते हैं तब हम सेपरेट सेपरेट एक एक नंबर ऐड करते जाते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखना है, कितने, जैसे कि सबके पास कितने बॉल्स है, यहाँ पे हमने देखा सबके पास कितने बॉल्स है और कितने स्टूडेंट्स है, वो हमें चेक करके वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड रहेगा। अभी ये स्मॉल नंबर के लिए आपको दोनों इजी लग रहा है, बट जब टू डिजिट थ्री डिजिट नंबर होंगे तब मल्टीप्लिकेशन इजी होगा, और आप जो टेबल्स ऐड करते हो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इसके लिए और मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जाके आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट सम्स है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।